जिले में 15,000 से 20,000 आबादी वाले क्षेत्र पर शासन द्वारा 48 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें 20 नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि शासन द्वारा जनपद में 15,000 से 20,000 आबादी वाले क्षेत्रों में एक नगरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला जाए, जिसको देखते हुए जनपद को 48 नगरीय हेल्थ सेंटर मिले हैं, जिनमें से 20 हेल्थ सेंटर चिन्हित कर लिया गया है, जहां पर 20 चिकित्सकों के लिए इंटरव्यू किया जा रहा है तथा शीघ्र ही चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि वेलनेस सेंटर में ओपीडी रूम, औषधि भंडार, टीकाकरण स्टाफ, नर्स का वेटिंग रूम व पंजीकरण कक्ष, 2 शौचालय, वेलनेस कक्ष तथा डे केयर रूम की व्यवस्था रहेगी। मानव संसाधन के लिए मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, एएनएम, क्लिनिक स्टाफ, गार्ड और सपोर्ट स्टाफ की तैनाती रहेगी। उन्होंने कहा कि स्टाफ नर्स एवं एएनएम की नियुक्ति राज्य स्तर पर किया जाएगा तथा मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस की नियुक्ति जनपद स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति से किया जाएगा तथा क्लिनिक स्टाफ एवं गार्ड सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी से जनपद स्तर से किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, नगरी हेल्थ वेलनेस सरकार की ये मंशा है कि 15,000 से 20,000 की आबादी पर एक हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाने की सोच है। उसी के तहत जो है जनपद को 48 मिले हुए हैं, जिसमें 20 का चिन्हीकरण किया जा चुका है, भवन तलाश लिए गए हैं, उनका एमओयू साइन हो गया है, वहाँ पर 20 चिकित्सकों की तैनाती के लिए इनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं, यथाशीघ्र उनकी तैनाती हो जाएगी और यथाशीघ्र वो सब सेंटर्स हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर के रूप में वो क्रियाशील हो जाएंगे। क्या सुविधाएं? उस पर सभी सुविधाएं होंगी, जिसमें जो है परिवार कल्याण की सुविधाएं होंगी, बाल स्वास्थ्य की सुविधाएं होंगी, एनसीडी कार्यक्रम की सुविधाएं होंगी और वहां पर जो है चिकित्सक जो के द्वारा जो होता है जितने भी सामान्य रोग होते हैं उन सभी के उपचार की व्यवस्थाएँ की जाएंगी।